राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। ऐसे में उनका एक और बयान चर्चा का विषय बना हुआ है। कोचिंग करने वाले छात्रों के सुसाइड को लेकर उन्होंने बयान दिया। दरअसल शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सोमवार को कहा कि कोचिंग करने वाले छात्रों के सुसाइड के लिए केवल संस्थानों को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए, क्योंकि उनके माता पिता और मित्रमंडली भी सुसाइड के मामलों में योगदान करते हैं। उन्होंने कहा, कोचिंग संस्थानों की ओर से कुछ प्रतिशत दबाव हो सकता है, लेकिन इसमें से अधिक दबाव माता पिता और उसके मित्र मंडली का भी होता है। सुनिए मदन दिलावर ने क्या कुछ कहा। संगत भी दोषी है, कई बार गलत संगति पड़ जाती है, फिर वो विफल हो जाते हैं प्यार प्रेम में, वो भी एक कारण होता है। क्यों सब सुसाइड का कारण कोचिंग ही है, ऐसा मैं नहीं मानता। हाल ही के दिनों में कोचिंग करने वाले छात्रों के सुसाइड के कई मामले सामने आए। देश भर से लाखों छात्र कोटा के कोचिंग संस्थानों में मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। दिलावर ने आगे कहा कि माँ बाप अपने बेटे से हमेशा ये अपेक्षा करते हैं कि उसकी जो क्षमता है पढ़ने या सीखने की, वह उससे ज्यादा लक्ष्य हासिल करे, लेकिन वह क्षमता से ज्यादा नहीं कर पाता। जब भी परीक्षा होती है, हर बार पूछते हैं कौन सी रैंक रही। पूरी कोशिश करने के बाद भी अगर टॉप रैंक में नहीं आता है तो वह आखिर में लिख करके सुसाइड कर लेता है। इसी तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए द नगरी न्यूज़ में शेख जोया।